हाँ तो स्टूडेंट्स, आज जो है प्रैक्टिकल की फोर्थ शीट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रैक्टिकल का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो जो है विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्र है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में आपको जो है शीट्स बनानी है। यानी कि हम मैप बनाते हैं और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिखाते हैं उसके बारे में हमें करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए दो टेक्निक है, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। यानी कि एक में हम क्वांटिटी दिखाते हैं और एक में जो है हम क्वालिटी दिखाते हैं। तो जो क्वालिटेटिव मानचित्र है पहले हम उसको करेंगे। क्वालिटेटिव जो मानचित्र है उसकी कई विधियां हैं। क्वालिटेटिव यानी कि हम केवल वस्तु का गुण दिखाते हैं कि वो वस्तु कहाँ पर पाई जाती है, उसकी मात्रा का पता नहीं चलता है, ठीक है। क्वालिटेटिव मैप्स यानी कि हम केवल वस्तुओं का वितरण दिखाते हैं, उसकी मात्रा का पता नहीं चलता। जैसे जो है इसके कई मेथड है, इसमें से दो शीट्स के बारे में जो है मैं आपको आज बताने वाली हूँ, एक कलर पैच मेथड का और एक जो है सिंपल शेडिंग मेथड, ठीक है। तो पहले कलर पैच मेथड के बारे में जान लेते हैं कि ये कलर पैच मेथड आखिर होता क्या है। कलर पैच मेथड से क्या होता है कि आप जो है कोई भी चीज को जो है केवल कलर्स के माध्यम से दिखाते हो। एटलस तो अभी किसी के पास नहीं होगी ना। एटलस एक बार उठा के देखना आप घर जाके, उसमें कितने मैप्स हैं जिनमें कलर्स दिए हुए होते हैं, है ना। कलर जो है दिए हुए होते हैं, जैसे ये सामने ये मैप देखो, ये कलर पैच मेथड है ना, क्योंकि इसमें कलर्स से जो है अलग अलग स्टेट्स को जो है डिस्ट्रिक्ट को दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कलर के माध्यम से जो है हम दिखाते हैं। आपको भारत के 28 राज्य दिखाने हैं और उन 28 राज्यों के आपके एटलस में पहला मैप होगा भारत का राजनीतिक मानचित्र, और उसमें जो है अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दिखाया हुआ होगा ना, वो आपका क्या है, कलर पैच मेथड है, ठीक है। कलर पैच मेथड है। अब वो कलर पैच मेथड जो है हमें बनाना है, जैसे हमने जो है हम भारत की जो है मिट्टियां दिखाएंगे, मृदा, भारत के मानचित्र पर मृदाओं का वितरण दिखाएंगे। अब ये क्योंकि क्वालिटेटिव है तो केवल मृदा का प्रकार दिखाएगी, मृदा की मात्रा नहीं दिखाएगी कि कितनी मात्रा में मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये नहीं दिखाएगी। केवल ये दिखाएगी कि मृदा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी बुक में जो है एक टाइप्स ऑफ सॉइल का मैप दिया हुआ है, देखो है ना, दिया हुआ है ना, ये कुल्लर की बुक है, इसमें थोड़ा सा छोटा है, ये दिवाकर की जो बुक है उसमें बड़ा है। एक बार दिवाकर की बुक दो, पीछे वाला ये वाला पेज निकाल, ये देखो, ये दो जो है मृदा का प्रकार नीचे ये दिया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, आज इसके लिए शीट बनानी है, तो शीट पे ये इतना छोटा मानचित्र तो नहीं बनेगा। आपको क्या करना है कि इसको फोटोकॉपी से एनलार्जमेंट करना है इस तरह से, जैसे जो है ये वाली जो फोटोकॉपी है ये एनलार्ज की हुई है, ये वाले मैप का एनलार्जमेंट इसी का है ना, ये इसी मैप का ये एनलार्जमेंट है। कितना परसेंट करवाया ये, आप देख लेना बेटा, ये साइज होना चाहिए, A4 पर जो है पूरा का पूरा ये आ जाना चाहिए, ठीक है। इस वाले मैप को आप जो है एनलार्जमेंट करवाओगे, आपको इस तरह का मैप मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिकल की बुक में ही पीछे है, ये जो शीट है आपकी प्रैक्टिकल की बुक के पीछे ही है, टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार जो है इस हेडिंग से है। तो ये आप इसको जो है एनलार्जमेंट करवाओगे, ठीक है। अब एनलार्जमेंट करने के बाद क्या है कि आपकी जो है ये शीट हो गई, ये आपकी प्रैक्टिकल शीट है ना। प्रैक्टिकल शीट पर बीचों बीच बाउंड्री बना ली आपने, आपके पास स्पेस मिल गया कि कितनी जो है शीट है आपके पास, कितनी शीट अवेलेबल है, बाउंड्री खींच ली चारों तरफ। बाउंड्री खींचने के बाद जो है इसको मैप को इस तरह से रखोगे, बिल्कुल बीचों बीच, है ना, ये बीचों बीच आ गया। अब जो है इसको ट्रेस करने के दो तरीके हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको पता है ट्रेसिंग टेबल है, ट्रेसिंग टेबल के लिए पहले आपने ये मैप रखा
और उसके बाद अपनी ये शीट रखी इसके ऊपर, क्योंकि नीचे से लाइट जलती है वो आपको दिखाई देगा, और वो आपने जो है उसको ट्रेस आसानी से कर लिया, पूरी बाउंड्रीज और सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये ट्रेसिंग हो गई। ट्रेसिंग का एक दूसरा मेथड भी है, हालांकि उसमें इतनी सफाई नहीं आएगी, लेकिन अगर आप जो है कॉलेज में नहीं कर पाओगे और आपको घर पे बैठ के करना पड़ेगा, तो इसको कैसे करोगे कि इस शीट को इसके ऊपर रखोगे। ठीक है, इसके ऊपर रखा आपने, इसके बाद इस मैप पर आप जो है या तो बिल्कुल बारीक पेन लोगे, ठीक है, या जो है बिल्कुल नुकीली पेंसिल, तो मोटी हो जाती है लिखते लिखते, आप या तो बिल्कुल बारीक पेन लोगे, या जो खराब हुआ हुआ पेन होता है ना, खराब नहीं, जो खत्म हो जाती है, जिसकी इंक खत्म हो जाती है, उससे जो है इसको पूरे को जो है फेर दोगे, है ना, तो वो आपको क्या होगा, उसके बाद आप पूरी रोशनी में जाके देखोगे तो पूरी की पूरी शीट पर छप जाएगा, और छपने के बाद जो है आप उसको इंक से कर सकते हो। लेकिन ये बनाते टाइम आपको स्पेसिंग का पूरा ध्यान रखना है कि ये मैप आपका बिल्कुल मिड में आना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि ये साइड में हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, या ऊपर हो गया, नीचे हो गया, नहीं, इसको बनाते टाइम पूरा जो है ऐसे करना है आप इसको वो करने के, और ये काम जब आप करोगे तो कम से कम आपको आधा घंटा, आधा पौना घंटा कंटिन्यूस लगेगा, है ना, क्योंकि इसको हिलाना नहीं है। तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो सेलो टेप होती है उसको डायरेक्ट अगर इसके ऊपर लगाओगे तो उस पर चिपचिपा इतना होता है कि आपकी शीट खराब हो जाएगी। उस सेलो टेप पर एक बार अपना हाथ लगाओगे तो उसका जो मोटा चेप है वो निकल जाएगा और हल्का सा पेस्ट बचेगा उस पर, है ना, उसको आप इसके ऊपर लगाओगे तो आपकी शीट खराब नहीं होगी। डायरेक्ट सेलो टेप नहीं लगानी है, सेलो टेप से जो है अपना अपने हाथ को पहले दो बार करना है ताकि उसका चेप निकल जाए, और हल्का सा जो चेप बचेगा उसके साथ इसको यहाँ पर अटैच कर दोगे, और फिर आपकी शीट को आराम से ट्रेस करते हो, कर सकते हो, ये हिलेगी भी नहीं। ठीक है, यही काम जो है आप अपनी जब टेबल पे ट्रेस करते हो तो भी कर सकते हो। इस मैप को जो है दो टेप जो है इस मैप पे लगाई, दो तरफ खिसकेगा नहीं। उसके बाद इसको बिल्कुल साइज से जो है बिल्कुल मिड में आपने इस तरह से किया, और उसी तरह से उसका चेप हटाकर दो टेप जो है इस तरफ लगाओगे तो आप शीट को बीच में छोड़ भी दोगे तो आपकी शीट हिलेगी नहीं बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल सेम शीट निकलेगी। ट्रेसिंग करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, 10 मिनट का काम है। अगर इसको घर पे बैठ के उस तरह से बनाओगे तो फिर जो है इसमें टाइम लगेगा। अब ये चीज समझ आ गया, ये बेस मैप है आपका, इस बेस मैप से आपने इस पर जो है ट्रेसिंग कर ली, और ये सारे के सारे जो है कलर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इसमें तो शेडिंग दी हुई है आपको, दिखाई दे रही है, इसमें शेडिंग दी हुई है आपको, आपने शेडिंग नहीं करनी है, आपने क्या करना है, आपने कलर्स भरने हैं इसमें, और कौन से कलर्स भरने हैं, पेंसिल कलर्स पता है ना सबको, जो पेंसिल कलर आते हैं वो वाले, एक सिर्फ इसी एक शीट के लिए चाहिए आपको पेंसिल कलर, हो सकता है आगे भी कोई एक आधी शीट हो, लेकिन जो है एक दो शीट के लिए चाहिए, और जो है जो कंट्रास्ट वाले कलर है वो लेने हैं आपने, ऐसा नहीं है कि पिंक और रेड ले लिया जिनमें कोई कंट्रास्ट ही नहीं है, ठीक है, या लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन ले लिया, इस तरह नहीं, कंट्रास्ट वाले कलर लेने हैं। इसमें कितने कलर है देखो, 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, ठीक है, 6 पेंसिल कलर्स हैं। तो आप इसमें से कौन कौन से लोगे, एक येलो लोगे, ठीक है, एक रेड लोगे, एक ग्रीन लोगे, एक ब्लू लोगे, एक ब्राउन लोगे, और कौन से कलर होते हैं बेटा, रेड के साथ पिंक या ऑरेंज में से कौन सा कलर होना चाहिए, ऑरेंज, ऑरेंज अलग दिखेगा ऑरेंज या स्काई ब्लू में, ठीक है, या एक काम करो, नहीं स्काई ब्लू भी, स्काई ब्लू भी अलग से दिखाई देता है, ब्लू में मैच नहीं करता। ये 7 कलर में से कोई 6 कलर आप ले लोगे, क्योंकि आपको ये 6 कलर चाहिए, ठीक है। तो अब जो है आपकी, आपने बेस मैप तैयार कर लिया, जो यहां पर शेडिंग है, ठीक है, जो यहां पर शेडिंग है वो आपने कलर देना है। आप चाहो तो जो है यहां पर उस पेंसिल से मार्क कर सकते हो जो भी कलर आप दोगे, जैसे यहां वर्णभेदा है, वर्णभेदा को आपने येलो से दिखाया है तो यहाँ येलो मार्क कर दो, और यहाँ जहां जहां ये है
जहां जहां इसकी शेडिंग है वहां आपने येलो जो है कलर दे, ठीक है। तो ये जो है आपकी कलर पैच मेथड की बेस मैप बनकर तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको जो है पूरा शीट को पूरा करना है। ये आपका मैप बन गया, ठीक है। इस पर आपने जो है ये इस तरह से ये सारी की सारी जो है कलर से दिखा दिया है ना। अभी मैं इसको रफ सा ही बना रही हूं क्योंकि आप लोगों ने पूरी तो ये बनानी है। इस तरह से करके जो है ये आपकी पूरी हो गई। मेरे हाथ में सिर्फ एक चौक है, व्हाइट कलर है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन आपको समझ आ गया कि ये कैसे करना है, ठीक है। ये कलर से जो है ये बन गई। अब आपने क्या करना है, कलर करने के बाद आपने इस शीट को कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने जो है बेस मैप ड्रॉ किया और उसको जो है इस तरह से करके रख दिया, क्योंकि मैप पे और बहुत सारी चीजें होती है, ये आपको पता है, हेडिंग भी होती है, इंडेक्स भी होता है, लेट लॉन्ग भी होती है, सारी चीजें होती है। तो अब आप वो कंप्लीट करोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये मैप बन गया, यहाँ पर जो जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप पाकिस्तान लिखोगे और पाकिस्तान को आप स्टेंसिल से नहीं लिखोगे, ठीक है। स्टेंसिल इसलिए नहीं कि हम उसको उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि वो स्टेंसिल से लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी की कंट्रीज भी स्टेंसिल से नहीं लिखवाओगे, केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसको हाथ से लिखोगे और हाथ से बिल्कुल अच्छी राइटिंग से लिखोगे, जो राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है उस राइटिंग से लिखोगे, ठीक है। ये पाकिस्तान लिख दिया, यहां नेपाल लिखोगे, यहां भूटान लिखोगे, यहां बांग्लादेश लिखोगे, यहां पर जो है चाइना लिखोगे, ठीक है। यहां पर अरेबियन सी लिखोगे, यहां पर बे ऑफ बंगाल लिखोगे, और यहां पर जो है आप जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखोगे। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटे में लिखा जाना चाहिए, इनसे छोटा साइज जो है इसका होगा, ठीक है। और जो साइज में आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखोगे उसी साइज में यहां पर आपको जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लिखना है, ठीक है। उसी साइज में यहाँ पर जो कर्क रेखा लिखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखोगे, उसी साइज में यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर भी उसी साइज से लक्षद्वीप लिखोगे। ये छोटे में क्यों लिखवाया गया है, क्योंकि ये इंडिया के पार्ट है। ये बाकी सारे क्या है, ये इंटरनेशनल जो है फीचर्स है ना, इंटरनेशनल कंट्रीज है, ये कंट्रीज है इसलिए थोड़ा बड़ा लिखोगे, और ये इंडिया के पार्ट है इसलिए इनको छोटा लिखोगे। आ रहा है समझ। इसके बाद आप क्या करोगे, इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स बनाने के लिए बिल्कुल सही साइज का बॉक्स यहाँ पर लोगे, क्योंकि आपने छह कलर लिए तो छह बॉक्स बनेंगे, है ना। और एक काम और कर सकते हो आप, अंडमान मान लो कि आपका ये लिखने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये जो आपने लिखा है इसके बीच में आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से लिखकर यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये शीट बनाते टाइम आपके अपने विवेक पर है कि इसको कैसे पूरा करोगे। अब यहाँ पर स्पेस बच गया आपका, यहाँ पर जो है आप ये सारी चीज लिखोगे। हाँ, ये जो लिखी जाएंगी ये इंग्लिश में लिखी होगी, हिंदी में लिखी होगी, ये इंग्लिश में लिख देते हैं इसको। पहला है फॉरेस्ट सॉइल्स, ये उतार सकते हो आप, ये आपकी बुक में मार्क कर सकते हो इनको। जलोढ़ मृदा को कहते हैं एल्यूवियम सॉइल, एल्यूवियम सॉइल, और यहां इसको कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल, इसको कहते हैं ब्लैक सॉइल, यहां कहते हैं लेटरल सॉइल,
लैटेराइट सॉइल और अंतिम है शुष्क मृदा एरिड सॉइल। बातें नहीं बेटा, क्लियर है? यहां ऊपर आप लिखोगे लीजेंड, ये हो गया पूरा। इसको शीट को जो है इस तरह से आप बनाओगे। हाँ, इसकी हेडिंग ये बनेगी कलर पैच मेथड इंडिया टाइप्स ऑफ सॉइल, और ये सारी चीज आप लिखोगे स्टेंसिल से। ये सारी चीज आप लिख सकते हो छोटे वाला, बिल्कुल जो सबसे छोटे साइज का स्टेंसिल जो आप लोगों के पास है, या फिर हाथ से लिख सकते हो। लेकिन हाथ से लिखोगे पूरी सफाई से लिखोगे, ठीक है? अगर हाथ से लिखना है पूरी सफाई से लिखोगे। अंदर का ये सारा जो लिखना है आपको ये स्टेंसिल से नहीं आएगा, ये हाथ से ही आएगा, लेकिन बिल्कुल साफ सफाई से लिखना, ठीक है? और ये जो है कलर आप इससे कर ही लोगे। समझ आए? ये आपकी थर्ड शीट है, ठीक है? तो इसको जो है आप कंप्लीट करो। हाँ, फोर्थ शीट है, सॉरी, तीन शीट तो आपकी हो चुकी है, पॉइंट लाइन और पॉलीगन एरिया सिंबल की तीन शीट हो गई। और जो है अब ये जो चौथी शीट जो है आपकी कलर पैच मेथड की है। क्लियर बेटा? बंद करूंगी।